नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। लूट में नाकाम बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली। नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सेल्समैन जिसकी जान बाल बाल बची। घटना के संबंध में जो कुछ बताया वह बेहद डरावना। पुलिस के कार्यशैली सवालों के घेरे में तहरीर बदलवाने का लगा आरोप। खबर जनपद बलिया से। जनपद के उभार थाने से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक शराब की दुकान को बंदूक की नोक पर लूटने में नाकाम बदमाशों द्वारा सेल्समैन पर फायर झोंकने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है घटना बृहस्पतिवार की रात्रि का है। आपके सामने स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि रात्रि के 8:52 हो रहे हैं। तारीख भी डिस्प्ले हो रहा है, जिसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। 18 जनवरी की रात्रि का समय है। एक बाइक आती है, उसके बाद दो नकाबपोश दुकान पर पहुंचते हैं, कुछ बात करते हैं। चंद सेकंड में एक नकाबपोश के हाथ में बंदूक जैसी कुछ चीज नजर आ रही है, जिससे वह वार करता है। इस बीच एक व्यक्ति वहां से भागकर जाता है, फिर दोबारा वापस आ जाता है। यह सब कुछ करने में 44 सेकंड लगते हैं, उसके बाद वहां से दोनों चले जाते हैं। इस घटना का दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे इसी घटना से संबंधित बताया जा रहा है। यह दुकान के अंदर का दृश्य है। एक व्यक्ति दुकान के अंदर बैठा हुआ नजर आ रहा है, जो चादर ओढ़े हुए है। इसी बीच वह हड़बड़ा जाता है, कुछ तेज रोशनी होती है और दुकान में घबराया हुआ नजर आ रहा है। हाथ में उसके मोबाइल भी नजर आ रही है, जिसे वह कहीं फोन मिलाता हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में जब पड़ताल की गई तो पता चला कि यह सीसीटीवी फुटेज उभार थाने के राजपुर चट्टी का है। यहाँ एक देशी शराब की दुकान है, जिसकी अनुज्ञापी रीता देवी है। इसी शराब की दुकान में सेल्समैन जयराम यादव पर बदमाशों द्वारा हमला किया गया, जिससे उनकी जान बाल बाल बची। वो बेहद ही डरे समय नजर आए। उनसे जब पत्रकारों ने घटना के संबंध में जानकारी ली, देखिए उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया। नाम जयराम यादव, ग्राम बीघा जमीन। आप इस समय कहाँ पे हैं? राजपुर। क्या काम करते हैं? सेल्समैन। बतलाइए क्या घटना घटी है आपके साथ? हाँ, वो आए, कहे कि दो हमको कैश, दो कैश दो। हम कहे कि भाई कैश कैसे देंगे आपको? कौन आया? जो बदमाश थे, कट्टा लेकर। कब की बात है? 8:30 की बात है। कल दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार। क्या घटना घटी? वो कहे कैश दो कैश दो, कैश मांग रहे थे। आप कट्टा लगा दिए, अंदर घुसाने लगे हमारे तरफ। हम ऐसे फिर ऐसे हो गए, वो तब तक छोड़ दिए, थोड़ा हमारे आँख पर लगा है। कट्टा कैसा था? कट्टा इतना बड़ा था। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हमने मोबाइल उठाया, फोन किए अखिलेश यादव जी को, तो वो नहीं उठाए। अखिलेश यादव कौन है? वो चिखना बेचते हैं उधर हैं। अच्छा, वो नहीं उठा पाए। तो उसके बाद हमने विनोद जी पर फोन किया, वो भी कहीं दूसरे जगह थे। विनोद कौन है? विनोद बसंत जी के भाई हैं, और उस भाई से रिटायर है आर्मी से। अच्छा। वो नहीं उठाए। फिर उसके बाद हमने ब्रजेश मालिक को फोन किए, ये उठा लिए। उनसे बताया कि यहाँ बदमाश आकर बंदूक छोड़ रहे हैं, गोली छोड़ रहे हैं। हम बचे हैं, इतने में वो भाग गए सर। मैंने जब फोन, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें क्या रिकॉर्डिंग है? कैमरा आपका चलता है? अच्छा, उसके बाद उभाव पुलिस को आपने सूचना दिया? पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्या कौन आया था? वही एस गाड़ी आई थी, पुलिस की गाड़ी आई थी। यहाँ आपसे कुछ लोगों का कहना है कि कुछ फायरिंग हुआ है या गोली चली है, तो क्या क्या सही क्या है? हाँ सही, कट्टा छोड़े हैं, कट्टा से आवाज हम छोड़े हैं अंदर, मुक्ति से वो भागे। गोली चली है? छरा अंदर घुसा था। छरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ गोली चली है, उसका छरा है, छरा कहाँ है? ये है, देखिए। ये गोली में से निकले, वो निकला हुआ छरा है? हाँ। अच्छा, चलिए। इसमें आप आज भी पुलिस आई थी? हाँ, आज ही आई थी। हाँ, आप तो थाने पे तहरीर कुछ अलग दी है, और जैसे कहे उसे लिखवाए। कौन कहा?
नहीं, आपको तहरीर बदलने के लिए कौन कहा, कौन आपको प्रदर्शन, कौन दबाव कौन दिया, कौन दिया आपको दबाव, आप बतलाइए तो सही। सिपाही लोग दिए। सिपाही क्या कहे? नहीं वो कहे कि ऐसे, मतलब वो बोले हम लिखे क्या कि उन्होंने कट्टा कुछ अज्ञात तो बस वो लोग कुछ फेंके हैं तो वो वहाँ अपने गोली चलने का तो जिक्र नहीं किया है। नहीं किया। क्यों? वहाँ जैसे वो बोले वहाँ हमने लिख दिया। पुलिस के दबाव में आपने लिखा है? उपहार इंस्पेक्टर डी के श्रीवास्तव ने बताया इस मामले में मारपीट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है पीड़ित के बयान से पता चल रहा है कि गोली चलाई गई है। सेल्समैन का यह कहना है कि पुलिस द्वारा तहरीर बदलवा कर लिखवाई गई है। पुलिस की कार्यशैली संदेहास्पद लग रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से ओपी सिंह की रिपोर्ट।